वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है, तो मेरी बातों को बिल्कुल भी सीरियस मत लेना। और इस वीडियो में मैंने किसी भी क्रिएटर को हेट देने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। तो भाई लोग कैसे हो आप सभी, एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। सो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम कंपैरिजन करेंगे मैकरीना के टू मोस्ट पॉपुलर यूट्यूबर्स के बारे में, जो कि हिंदी में मैकरीना की वीडियोस बनाने के लिए सबसे ज्यादा फेमस है। मैं बात कर रहा हूँ सोल एलोक एंड हाइपर राजा गेमिंग के बारे में, और आज हम इन्हीं दोनों के बीच में वर्सेस करने वाले हैं और देखेंगे कि कौन किस चीज में एक दूसरे से आ गया। अभी मजा आएगा ना वीडियो। तो शुरू करते हैं बिना किसी ना जी, मैं कसम से बहुत मारूंगा कहीं और जाके खराटे मार अपनी, तुझे दिखता नहीं मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो इस वर्सेस में मैंने टोटल 5 राउंड्स रखे हैं, और हम इन्हीं राउंड्स में इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करेंगे। कोई बात नहीं, तो बात कर लेते हैं राउंड नंबर 1 की। तो राउंड नंबर 1 में हम ये देखेंगे कि इन दोनों के पास कितना एक्सपीरियंस है मैकरीना के अंदर। एक्सपीरियंस है मेरा मतलब कि इन दोनों को मैकरीना खेलते हुए कितना टाइम हो चुका। तो यही देखने के लिए मैं इनकी सबसे फर्स्ट वीडियो पे गया, और मैंने देखा कि सोल एलोक ने अपनी फर्स्ट वीडियो डाली थी 12 मार्च 2019 को, जब उन्होंने मैकरीना को जस्ट स्टार्ट ही किया था। और हाइपर राजा गेमिंग ने अपनी फर्स्ट वीडियो डाली थी 27 अप्रैल 2020 को, और उनकी फर्स्ट वीडियो में जब हम उनकी आईडी को देखते हैं तो देखने से लगता है कि ये पहले भी मैकरीना खेलते रहे थे, यानी उन्होंने अपनी आईडी को काफी प्रोग्रेस करने के बाद फिर वीडियो डाली थी अपने चैनल पे। तो इसका मतलब यह है कि उनकी एग्जैक्ट मैकरीना के एक्सपीरियंस डेट अननोन है, तो इसलिए हम यही अज्यूम करके चलेंगे कि इन दोनों के पास सेम एक्सपीरियंस है गेम के अंदर। तो पहला ही राउंड इन दोनों के अंदर टाई अप हो जाता है, मतलब पहले राउंड में दोनों एक दूसरे को बीट नहीं कर पाए। तो बारी है राउंड नंबर 2 की, और राउंड नंबर 2 में हम ये देखेंगे कि इन दोनों में से किसके पास ज्यादा स्किल्स है मैकरीना के अंदर। अब इस राउंड में तो बिना किसी डाउट के हमारे हाइपर राजा जीत जाते हैं, क्योंकि हमने उनकी वीडियोस में भी देखा कि वो मैकरीना को काफी अच्छे तरीके से खेल लेते हैं, और उनके पास कवर एंड फाइट की बहुत ही कमाल की टेक्निक है। और यही बात मैंने अपनी इस वाली टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियो में भी बताई थी कि अगर आप कवर एंड फाइट को अच्छे से सीख लेते हो ना, तो भाई साहब आप एनिमी पे कतई भारी पड़ने वाले हो, फिर चाहे ओपोनेंट टीम में एक से ज्यादा रियल बंदे क्यों ना। और यही स्किल हाइपर राजा के पास है, तो उसी चीज से ये प्रूव हो जाता है कि हाइपर राजा गेमिंग के पास ज्यादा अच्छे स्किल्स है मैकरीना के अंदर। और सोल एलोक की बात करें तो वो एक नॉर्मल एवरेज प्लेयर है, जैसे हम खेल लेते हैं वैसे उनके पास भी एक नॉर्मल प्लेयर जैसे स्किल्स है। तो ये राउंड हमारे हाइपर राजा गेमिंग जीत जाते हैं। तो बात कर लेते हैं राउंड नंबर 3 की। तो राउंड नंबर 3 में हम ये देखेंगे कि इन दोनों में से किसके हैंगर के पास ज्यादा स्क्वाड पावर है। तो सोल एलोक की स्क्वाड पावर है 5704, एंड हाइपर राजा गेमिंग की स्क्वाड पावर है 4159। तो इससे ये साफ पता चल जाता है कि सोल एलोक ये वाला राउंड जीत चुके। तो बात कर लेते हैं राउंड नंबर 4 की। तो राउंड नंबर 4 में हम ये देखेंगे कि किसके पास ज्यादा बेटर पायलट्स हैं, और इस राउंड में भी हमारे सोल एलोक जीत जाते हैं, क्योंकि हमने देखा कि उनके पास बहुत अच्छे अच्छे और कमाल कमाल के पायलट्स हैं, और उन्होंने उनको बहुत अच्छे से अपग्रेड भी दिया। तो अब बारी है हमारे लास्ट राउंड, राउंड नंबर 5 की, और इस राउंड में हम ये देखेंगे कि अगर ये दोनों एक दूसरे से 1v1 फाइट करते हैं तो किसके पास हाई चांस है बैटल को जीतने के। अब इस बात पे सब लोगों के अपने अपने डिसीजन होंगे, कुछ कहेंगे कि सोल एलोक जीत जाएंगे क्योंकि उनके पास अच्छी स्क्वाड पावर और अच्छे पायलट हैं, कुछ कहेंगे कि हाइपर राजा गेमिंग जीत जाएंगे क्योंकि उनके पास स्किल है, कुछ कहेंगे कि ये मैच ही ड्रॉ हो जाएगा। और वैसे भी ये राउंड बैटल की सिचुएशन पर डिपेंड करता है, तो इस वीडियो के अंदर इन दोनों में से किसी एक को विनर डिक्लेयर कर देना फेयर नहीं होगा, तो इसलिए ये वाला राउंड मैं आपके ओपिनियन पे छोड़ दूं। आप नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि अगर ये दोनों 1v1 बैटल करते हैं तो भाई कौन जीतेगा। तो हां गाइस, इस वीडियो में बस इतनी, और वीडियो एंड करने से पहले मैं एक दफा फिर कहना चाहूंगा कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए थी, क्योंकि पता लग रहा हो कि इन दोनों ने मेरी ये वीडियो देख रही और गुस्से में आके मुझे स्ट्राइक दे दी कि साले की हिम्मत कैसी वीडियो बनाने की, इसका चैनल लीड करवाओ। तो मैं मिलता हूं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन सी यू।